जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक बार फिर से बात होगी टपारिया टूल्स की, क्योंकि अभी इस कंपनी ने भी हाल ही में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। खैर डिविडेंड का अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन क्या है कि डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट था अभी हाल ही में समाप्त हुआ, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डिविडेंड जो इस बार मिलने जा रहा है आपको जुलाई मंथ में जिसकी अनाउंसमेंट हुई है वो कितने रुपए का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और इस डिविडेंड का बेनिफिट कौन कौन से लोग ले पाएंगे। क्या आप भी इस बार वंचित रह गए इस कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं करके डिविडेंड लेने से चूक गए, तो आपको कौन सी रणनीति अपनाने की जरूरत है ताकि आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सके। क्योंकि जब भी मैं टपारिया टूल्स के ऊपर वीडियो लेकर आता हूं, बहुत से लोगों का रोना कमेंट में सिर्फ इस बात को लेकर होता है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं लोगों को इजीली नहीं मिलते। देखिए शेयर्स मिलते तो ये बात सही है, लेकिन इजीली नहीं मिलते, तो जो चीज थोड़ा प्रीशियस होती है, जो अच्छी चीजें होती है, जो कॉस्टली होती है, वो चीजें सस्ती और बहुत आसानी से आपको नहीं मिलती। इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं कुछ चीज दिखाता हूं जो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उनको इस कंपनी के शेयर्स नहीं मिलते। उनके लिए यहाँ पे देखेंगे आप वॉल्यूम एनालिसिस में कि एक दिन में जो इस कंपनी में ओवरऑल ट्रेडिंग हुई है 500 शेयर्स की हुई है। पिछले दिनों की बात करें तो तकरीबन 100 शेयर्स की ट्रेडिंग एक दिनों में यहाँ पे होती हुई देखी है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ एक एक दिनों में 100-100 शेयर्स 500-500 शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग करने का मतलब ये बाई सेल हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, अब आपको नहीं मिल रहा है वो अलग चीज़ है। देखिए आसान भाषा में आपको बताता हूँ, यदि किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग ना हो तो जाहिर सी बात है कंपनी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी मार्केट में। इसमें ट्रेडिंग हो रहा है इसलिए कंपनी चल रही है और चल ही नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। ओवरऑल अपने इंडिया में देखेंगे तो अभी वर्तमान में तकरीबन 151 मिलियन के आसपास एक्टिव डीमैट अकाउंट्स है। 151 मिलियन कहने का मतलब होता है कि तकरीबन मान लीजिए इसको 15 करोड़ के आसपास एक्टिव डीमैट अकाउंट्स है, 15 करोड़। तो कम से कम 15 करोड़ नहीं तो आप 10 करोड़ भी मान के चलिए कि जो लोग शेयर मार्केट में बाय सेल करते हैं शेयर्स को, ट्रेडिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। अब समझिए अभी जो टपारिया टूल्स कंपनी है इसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख, 30.5 लाख के आसपास मार्केट में इस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। और इसमें से सिर्फ 70% शेयर्स ही जो है कंपनी के, जो आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ज्यादातर शेयर्स इसके फैमिली के पास है, तो सिर्फ 70% शेयर्स इसके फैमिली के पास है। यानी कि यदि 30 लाख में से मान लें तो 21 लाख के शेयर्स ही इसके जो प्रमोटर्स हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके पास है। बाकी के जो 9-10 लाख शेयर्स हैं वो तो आम पब्लिक के पास है ना। तकरीबन इस कंपनी के 30% शेयर्स अभी भी मार्केट में आम लोगों के पास है, यानी कि 9 से 10 लाख शेयर्स मार्केट में है जो कि हमारे और आपके जैसे लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करते हैं। तो ये जो 9-10 लाख शेयर्स हैं और आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलता, तो आपको नहीं मिलता वो अलग चीज है, लेकिन 9-10 लाख शेयर्स किसी ना किसी के पास तो है जो हमारे और आपके जैसे व्यक्ति हैं जो बाय सेल कर रहे हैं। भले इसकी ट्रेडिंग हजारों में लाखों में नहीं होती डेली, लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया मनी कंट्रोल की साइट पे कि इसमें कम से कम एक एक दिनों में 500-500 और कुछ नहीं तो बहुत कम होता है तो 100 शेयर्स की भी ट्रेडिंग एक दिनों में जरूर होती है। क्या आप इस कंपनी के 100 शेयर्स को बाय करना चाहते हैं? बहुत से लोग 100 शेयर्स को ज्यादा बाय करना चाहते हैं 100 शेयर से, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कम से कम 100 शेयर्स की भी जो ट्रेडिंग डेली हो रही है ना, आप नहीं 100 शेयर्स बाय कर पा रहे हैं, आप डेली 1 शेयर बाय कर सकते हैं, 2 शेयर, 10 शेयर बाय कर सकते हैं। रही बात कि आपको नहीं मिलता है तो ये शेयर्स इतना अच्छा है, इतना मतलब प्रीशियस शेयर्स है कि ये इजीली आप डीमैट अकाउंट से नहीं बाय कर पाएंगे। जो लोग हैवी क्वांटिटी में या जो लोग मतलब बल्क डील करते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग वेबसाइट का डिफरेंट वेबसाइट के माध्यम से या ऑफ मार्केट से भी इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। आप चाह रहे हैं कि डीमैट अकाउंट से घर बैठे इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर ले तो इतनी इजीली ये कंपनी के शेयर्स आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ दिमाग लगाना होगा, कुछ अलग सोचना होगा, तब आप इस कंपनी के जो शेयर्स है उसको बाय कर पाएंगे। यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं तो जब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 1 साल से तो मैं तकरीबन फॉलो कर ही रहा हूँ, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस इस रेंज के आसपास चल रहा था 3-3.5 रुपए के आसपास, यहाँ से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप बाइक करने का कुछ निंजा टेक्निक अपनाइए जिससे आप इस कंपनी के शेयर्स को उठा सके, ताकि उठा लेंगे तो आपकी सारी दुख दर्द इस शेयर को बाइक करने के साथ ही मिट जाएंगे। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो लगातार जब से आप देखेंगे इस कंपनी का शेयर्स रॉकेट बना हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऊपर जा रहा है, कहीं प्राइस रुक रुक के ऊपर नीचे करके नहीं जा रहा है, एकदम सीधे ऊपर जा रहा है। और ये इस बात को दर्शाता है कि कंपनी में काबिलियत है और कहीं ना कहीं काबिलियत है, कंपनी स्ट्रांग है, तभी कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और कंपनी समय समय पर आपको डिविडेंड भी देती है। और जो डिविडेंड देती है वो इस कंपनी के शेयर प्राइस से कई गुना ज्यादा का डिविडेंड होता है। प्राइस है 5 रुपए और कंपनी ने अभी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 20 रुपए के आसपास, तो ये अपने पॉकेट से कंपनी नहीं दे रही, कंपनी की कमाई हो रही है। इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि टपारिया टूल्स इंजीनियरिंग सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी, टपारिया के टूल्स आते हैं, ये कंपनी हैंडमेड औजार बनाती है। और ये एक ऐसी कंपनी मैं देख रहा हूँ, खासकर इस तरह के हैंडमेड बनाने वाले तो बहुत सारी कंपनियां, लेकिन ये जो कंपनी हैंडसेट बनाती है ये इकलौती सी कंपनी जो शेयर मार्केट में उसको लिस्टेड नजर आती है और इतने शानदार तेजी के साथ रिटर्न देते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है।
यहाँ पे देखेंगे जो आप बीएससी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे टपरिया टूल्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है, जहाँ सामान्यतः सभी पेनी स्टॉक का वो रेड फ्लैग में देखते हैं, एएसएम या जीएसएम कैटेगरी में देखते हैं। जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार तेजी के साथ ऊपर जा रहा हो, लगातार तेजी के साथ नीचे जा रहा हो, तो सेबी क्या करती है कि उसको एएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में डाल देती है, तो उसको रेड फ्लैग में आना कहते हैं। लेकिन ये स्टॉक रेड फ्लैग में नहीं है, ना तो ये एएसएम कैटेगरी में, ना ही जीएसएम जैसी घातक कैटेगरी में, यानी कि ये स्टॉक का जो प्राइस ऊपर जा रहा है इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस अपने दम पर ऊपर जा रहा है। और यही वजह है कि जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार कंपनी अपर सर्किट के साथ पिछले कई दिनों से, जहां तक आपको नजर जाएगा आप देख सकते हैं कि लगातार अपर सर्किट में चल रहा है। और जब जब कंपनी अपर सर्किट टच करता है, यहां पे एक नया बाउंड वीक का हाई बनता है, यानी कि कंपनी लगभग साल भर के अपने उच्चतम प्राइस पे है। ओवरऑल यदि बात करें कंपनी का शेयर प्राइस अभी तक कहां तक सबसे ऊपर गया है, तो वो मैं आपको, तो यहां पे मैंने मैक्सिमम इस कंपनी का जो प्राइस है चार्ट पैटर्न उसको ओपन किया, और यहां पे देखेंगे इसने अभी तक जो मैक्सिमम हाई बनाया है 20 रुपए के करीब बनाया है, जो कि अभी हाल ही में 2020-21 के करीब इसने बनाया था। और उसके बाद प्राइस में डाउनफॉल हुआ, और डाउनफॉल हुआ तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी दिया आम लोगों को बाइक करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि आम निवेशक जो होते हैं गिरते हुए प्राइस पे नहीं बाइक करते, प्राइस बढ़ने लगता है तब उसको बाइक करने की कोशिश करते हैं। और ये फिर से प्राइस अपने इसी लेवल के आसपास जाते हुए दिख रहा है, बहुत जल्द अपने 18 से 20 रुपए के लेवल को अगर इसी तरीके से अपर सर्किट के साथ ऊपर बढ़ता रहा तो टच कर जाएगा। अब यहाँ पे बीएस इंडेक्स वेबसाइट पे देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 22 जुलाई को, 22 जुलाई को अनाउंसमेंट नहीं हुआ था बेसिकली। यहाँ पे नीचे जब आप कॉर्पोरेट एक्शन में देखते हैं तो आप पाएंगे कि 22 जुलाई को इस कंपनी का एक्स डेट रखा गया है, यानी कि एक्स डेट से पहले जिसके पास, आप रिकॉर्ड डेट इसको मान के चलिए कि 22 जुलाई से पहले तक जिसके पास इस कंपनी के शेयर होंगे, सिर्फ उसी को ये जो डिविडेंड है 20 रुपए का वो मिलेगा। इसका शेयर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5.5 रुपए करीब, अभी जैसे हम लोगों ने वहां देखा 5.40-5.42 रुपए के आसपास है, लेकिन कंपनी डिविडेंड दे रही है 20 रुपए के आसपास, यानी कि तकरीबन 4 गुना ज्यादा शेयर प्राइस से ये कंपनी डिविडेंड दे रही है निवेशकों को। अब जो लोग 22 जुलाई से पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाई किए होंगे, सिर्फ उन्हीं को इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। अभी जो लोग इस कंपनी के शेयर को बाई करेंगे, किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा बाई कर लेते हैं, उनको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। हालांकि ये कंपनी समय समय पर डिविडेंड देती रहती है, साल भर में 2-2-3-3 बार डिविडेंड देती है, आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, तो हो सकता है कि अगली बार जब आपको डिविडेंड मिले तब आप इसका लाभ ले पाए। ओवरऑल बात करें टपरिया टूल्स लिमिटेड का, तो बेहतरीन कंपनी है, इंजीनियरिंग सेक्टर का एक शानदार नमूना तो है ही, साथ में नमूना होने के साथ साथ शानदार कंपनी भी इंजीनियरिंग सेक्टर की, आपको इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग से कुछ दिमाग लगेगा ऐसे कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं। बाकी इस रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है, कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।